पल तीन रहे और सुजागात फिरे से ओए चार दिन की चमक चांदनी क्या का गमन करे से चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। पहली बात मैं न्यू गया क्या तू पैसे का घमंड करता हो, ये बड़े बुजुर्ग न्यू कह दिया करा न्यू ये तीन चार चीज जो पूरी उम्र से दंगी दुख देंगी। कौन कौन सी? छोटी बेली, खेत में गैली, दारू की थैली और राम रहीमर की चेली, सारी उम्र से देंगी। बताए हमारी माता बाण जाओ बाबा दो संकट कटवाने को बाबा संकट काटिए। पिताजी कहेंगी रे वे बाबा आप जेल पर पड़े मच्छर मारे तारे कितना संकट काटेंगे। कभी नहीं, यहाँ भी समय का उदाहरण दिया है कि जब उनका समय ठीक था वो सारी दुनिया धोक मारे आज जेल में पड़े मच्छर मार रहे। पहली बात में कभी नहीं कही कि घमंड नहीं करना चाहिए। के लिखा के दर्शाया मान लिया, अरे मान लिया तेरे धन भी से, मान लिया तेरे धन भी से, या बड़ी बात नहीं से। धन वैश्या, धन वैश्या के भी हो जा, जिक जात जमात नहीं से। कर्म करया, अरे कर्म करया दंड पड़े भोगना, या तेरे हाथ नहीं से। मात पिता, अरे मात पिता तेरी बहू लाडली, तेरा कोई भी साथ नहीं से। मात पिता तेरी बहू लाडली, कोई भी साथ नहीं से। उस नगरी में ले जाया जगाए रे 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 रे, उस नगरी में ले जाया जगा जो कई कोस पड़े से। कोई बड़ी बात नहीं से, यो धन वैश्या के भी हो जा, जिका जात जमात नहीं से। कर्म करया दंड पड़े भोगना, यो तेरे हाथ नहीं से। और मात पिता कुटुंब कबीला तेरा कोई भी साथ नहीं से। तना उस नगरी में ले जाएगा जो कई कोस परे से, चार दिना की चमक चांदनी क्या का घमंड करे से। न्यू कह दिया कि इंसान ने जो कर्म कर रखा वो भोगना पड़ेगा। न्यू नहीं तो उन्हें कोई कुत्ता मार दिया उसका फल नहीं मिलेगा, ना मिलेगा आज ना दो दिन पाछे मिले जरूर गा। उसी प्रकार कवि ने न्यू कही न्यू घमंड नहीं करना चाहिए। अगर तुम पैसों का घमंड करते हो तो वो भी आनी जानी चीज है, सजा नहीं रहनी। दूसरी बात मैं न्यू कही जाए, तुम जवानी का रंग रूप का घमंड करते हो तो पंडित लक्ष्मी चंदाड़े भी एक बात कह रहा खे के नर कर आगा का ख्याल मत ना चौड़ा होगा चाल, बुढ़ापा बैरी आओगा जने के खेल खिलाओगा। इसका भी कोई घमंड नहीं है। दूसरी बात मैं क्या लिखा कवि ने कैसे खून रहना आवे बुढ़ापा, खून रहना
आवे बुढ़ापा और ऊंचा होगी बेटे और फिर बेटे और बेटा की बहुत है तबीयत खाटी होगी आख्या ते अरे आख्या ते ताऊ आख्या ते तने कम सूझेगा रेरे माटी होगी कोई बिना पकड़े आंगली अरे हाथ में लाठी होगी रे कोई बिना घना पतला छोरा इतना पतला आंख लगा के देखा पर दिखन में हो जा और उसकी माँ उसने डॉक्टर धोरे लेकिन डॉक्टर साहब मारे छोरे ने देखियो इसका ना घी लागता ना दूध लागते ना बादाम लागता ना चमन परास लागता डॉक्टर साहब दुखी होगी के लागेगा डॉक्टर बोला घर ले जाओ इसका दाग लागेगा वो बड़ा हो गया बड़ा होगा वो भी दादा क्योंकि आज की डेट में कोई घाट नहीं सब ने सोचा तू डोन है कोलर खड़ी करके न्यू रहेंगे वो रेल में बैठा जा रेल में दो आदमियों की सीट पकेला बैठा चोरी टांग करके एक आया न्यू भाई साहब थोड़ा परे नोली में भी बैठ जाऊंगा अरे बोला तना बेरा है मैं कौन हूँ अब इतनी सुनते वो अगला डर गया सोचा बना के जुगाड़ है पीछे चल पीछे चला गया थोड़ी देर में एक और आया आके बोले भाई थोड़ा परे नोले में भी बैठ जाऊंगा बोला तना बेरा है मैं कौन हूँ अब वो भी डर गया कि ब्योत तो बेरा नहीं पाटता आदमी का के बेरा के ले रहा रोटी जिन्हें नहीं शिकर दे मर जा वो भी बेचारा डर के पीछे चला गया अब एक पहलवान पीछे गांव में तक कुश्ती लड़का रहा था हार का आ रहा था वो उसका छो तो पीछे गए उठ रहा वो रेल में चढ़ा चढ़ गया बोला पहलवान पर है ना हो अब उसने तो उसका भी नहीं नूतन बेरा मैं कौन सू अब उसने कहते ही देर थी पकड़ कर गुद्दीर ने उठा लिया नु हाँ कौन है तू नु भाई बीमार सुतड़े दर्दे मर जाएगा घमंड करेगा राजी मीठा नहीं बोलेगा इंसान नहीं हो जीव इतनी बढ़िया चीज दिए प्यार तो बोलना चाहिए तीसरी बात में कभी ना के दर्शाया कैसे जब बोले जब आटा बोले जब बोले जब आटा बोले लगा जुबा के ताला मन चाहे उत्पात करे तेरा बंद है गमते पाड़ा मात पिता तेरा कुटुंब कबीला तू जिनका बना रुखाड़ा ओहो भाई वाजे ओ देशी माता की इसने भी देख के एक बात याद आ गई वो एक बार एक घनी तगड़ी दारू पीनिया और दारू पी के एक दिन ठेके पता घर जा रास्ते में दो पुलिस वाले खड़े पुलिस आयो बोले हाँ बोल राजपाट कुछ नहीं तार धोरे तुम तो नहीं डोलो बेकार अब उसने भगा दिया भाग अब थोड़ी देर में कितने तो एक और पौवा थे आगे वो और पीका आ गया बोले ओ पुलिस आयो बोले हाँ बोल राजपाट कुछ नहीं तार धोरे तुम तो नहीं डोलो डंडी ठाई अब इतनी सुनते हो राम फल बोले राम सिंह नुगर इसने भीतर ले जा राजपाट दिखा उसने भीतर ले गए एक पटे से पे लिख रहा आन मिलो साजना पांच तो ले ही लो दे बटाबट लाल बना ले फिर उसने पकड़ का बाहर ले बोले हाँ ये बता राजपाट की शाग बोले छोड़ दो बोले ना बता राजपाट की शाग बोले जी बाहर तो कुछ नहीं भीतर तो दर्रात था रहा क्या तो यो भी दर्रात था ये मानता दिखे दूसरी बात में क्या लिखा कैसे जब बोले जब आडा बोले लगा जुबा के ताड़ा मन चाहे उत्पात करे
तेरा बंदे गमते पाला, मात पिता तेरा कुटुम कबीला, तू जिनका बना रुखाला। पल भर में एक पल भर में समय ने पलट दे वो लीली छतरी आला। पल भर में समय ने पलट दे वो लीली छतरी आला। धन की किस्ती तेरे मन का दरिया, ए रे 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 रे। लोग एक बार क्या होया, वो पहले किलोमीटर वाले पत्थर भी गड़े गड़े थे कि भाई फलाना गांव इतनी दूर, फलाना शहर इतनी दूर। एक ताई ने देख लिया वो किलोमीटर वाला पत्थर, कोटी और खील चढ़ा रखे, पताशे चढ़ा रखे, नारियल फोड़ रखा, रोली सी ले रही उस तक टिक्का कर रखा। नू कोटी और वो बाबा रो आसुआ तलू, बाबा तू ही सुना को मेरी। तो मैं गया मगा ताई के घर, बोले बेटा हाथ जोड़ दे बाबा से। मगा ताई बाबा को ना पत्थर है, बोले इस पर पढ़ के बता क्या लिख रखी है। मगर ताई इस पर न्यू लिख रखी है अटेली 15 किलोमीटर नु देख ले है नी बाबा। उरे बैठा बैठा बता दी अटेली कितनी दूर से, क्योंकि बोला जमाना था। वो एक बार एक गांव में हम प्रोग्राम करने चले गए, धर्मशाला में डांट दी पूरी पार्टी। एक ताई ने अपनी पोती भेजी, नुक बेटी भजनिया तेन कह दिया खाना खा लेंगे जा। अब छोटी 5-6 साल की छोरी जिसी कविता सुनाओ थी, उसी आई आके गुरु जी तेनु अंकल जी मेरी माँ ने न्यू कही खाना खा लो। अब गुरु जी ने उस तेन कह दी नुक हम अभी खाना नहीं खाते, नुक क्यों, नुक हम अभी व्यायाम करा हा। अब 5-6 साल की छोरी बिचारी के जाना व्यायाम के, याद करती जा भजनी व्यायाम करे हैं। रास्ते में खेल में ला गई, व्यायाम ना भूल गई। अब उसकी माँ ने बुझी नुक बेटी भजनी आता कहिया ही खाने की, नुक माँ भजनी खाना खूना नहीं खाते, नुक क्यों, नुक भजनी तो ब्याह है। अब ताई भी कितनी बोली नुक रे थारा नाच जा भजनी हो, मैं अपनी गीवा की लावनी करूँ थारो जापो काटू। जब भी कोई सब बाजे बुजे वाला ब्याह पड़ा होगा हो जाए करा, बोला टेम था। लेकिन आजकल जमाना तेज हो गया, कवि ने न्यू कही है कि इंसान का जन्म एक ऐसा दिया है परमात्मा ने, परमात्मा का भजन करना चाहिए, परमात्मा ते मोक्ष प्राप्त कैसे हो ये सोचना चाहिए, ज्ञान रूपी बातें करनी चाहिए। आखिरी बात मैंने छोड़ कर दिया, कवि ने क्या दर्शाया। किसे की भी किसे की भी कोन्या माने, किसे की भी कोन्या माने, तेरी के हस्ती होगी एक दिन उजड़े, तू एक दिन उजड़े गा और जागा या नगरी न्यू बसती होगी। देवी दत्त कहे वृद्ध अवस्था में गौर बीच किसती होगी, उस दिन नखरे रूप जवानी तेरी सब तय सस्ती होगी रे। नेक चाल कमा